सो है एवरीवन, माय नेम इज़ जानवी जेठवा एंड आप देख रहे हैं जानवी जेठवा मेकओवर। सो आज कुछ नया लेकर आ चुकी हूँ मैं आपके साथ। सो बहुत से दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि जल्दी से विंटर स्किन केयर रूटीन आप लेकर आओ, विंटर मेकअप लेकर आओ। सो इस एक वीडियो में मैं दोनों टॉपिक के ऊपर आज बात करने वाली हूँ। तो आज मैं चिट चैट करते हुए आपको मेकअप सिखाने वाली हूँ और साथ में हम स्किन केयर भी सीखेंगे। सो किस तरह से ये वाला लुक मैंने क्रिएट किया है सो वो भी इस वीडियो में मैं बताऊंगी। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो और जल्दी जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करूँगी, यानी कि यहाँ पे मैंने लिया है बेबी लिप्स। आप कोई भी बेबी लिप्स ले सकते हैं या फिर वेस्लीन भी ले सकते हैं। सो उसके हेल्प से मैं अपने लिप्स को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर दूंगी पहले। क्योंकि विंटर में हमारी स्किन के साथ साथ हमारे लिप्स भी ड्राई हो जाते हैं, सो दैट्स वाई हमें लिप्स को भी इतना ही इम्पोर्टेंस देना है जितना कि हम अपनी स्किन को देते हैं। तो चलिए अब लिप्स के बाद हम चलते हैं अपनी मेकअप की ओर। सो अपने स्किन को भी इतना ही इम्पोर्टेंस देना है हमें जितना हम अपनी मोरी की स्किन को देते हैं, वैसे ही हमें अपने फेस की स्किन को भी इतना ही इम्पोर्टेंस देना है। सो जिस तरह से हम समर में और मानसून में मेकअप करते हैं उसमें CTM करते हैं, इसी तरह से विंटर में भी हमें CTM करने के बाद ही मेकअप करना है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप यहाँ पे ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिनजिंग कर ली है अपने फेस की, यानी कि मैंने फेस वॉश कर लिया है अच्छी तरह से। देन उसके बाद बारी आती है टोनर की। सो यहाँ पे मैं अप्स गुडनेस का टोनर ले रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा है और रोज़ टोनर है ये। सो उसे मैं जस्ट अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। पहले उसे अच्छे से शेक कर लेंगे, देन उसके बाद हम इसे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। सो टोनर के बाद बारी आती है मॉइस्चराइज़र की। सो विंटर के सीज़न में हमें हमेशा क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र ही लेना चाहिए, अदरवाइज़ हमारी जो स्किन है वो ड्राई होती है। सो ड्राई स्किन पे हर वक्त हमेशा हमें क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र ही लेना चाहिए। सो चलिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र और इससे हमें अच्छे से अपनी स्किन पे अप्लाई कर देना है। सो इतने अमाउंट में मैं ये मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ। अगर आपकी ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन इतना इनफ है इस मॉनसून सीज़न में, सॉरी इस विंटर सीजन में। सो इससे मैं अच्छे से पहले मसाज करते हुए अपने फेस पे अप्लाई करूंगी इसे अच्छे से, ताकि जितनी भी ड्राइनेस है हमारी फेस की वो तुरंत ही चली जाए और हमारा जो बेस है वो एकदम फ्लॉलेस आए। सो जब भी मैं विंटर में मेकअप करती हूँ तो इसी तरह से क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद ही मैं मेकअप करना प्रिफेयर करती हूँ। सो अगर आपकी भी मेरी तरह ऑयली स्किन है और विंटर में ये ड्राई हो जाती है तो आप भी क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी स्किन ड्राई नहीं होती तो आप वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरी विंटर सीजन में बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है स्किन, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। सो यहाँ पे मॉइस्चराइज़र ने अच्छे से काम कर लिया है मेरी स्किन पे। सो यहाँ पे मेरी स्किन एकदम मॉइस्चराइज हो चुकी है, यानी कि जो भी ड्राइनेस थी वो एकदम से दूर हो चुकी है। उसके बाद स्टेप आता है हमारा प्राइमर का। सो आप विंटर में क्रीम बेस्ड प्राइमर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिलिकॉन प्राइमर ले रही हूँ, यानी कि मैं इनसाइड का प्राइमर ले रही हूँ। सो थोड़ी सी अमाउंट में ही मैं प्राइमर को लूँगी और उससे मैं अपनी टी जोन पे अप्लाई कर दूँगी, यानी कि जहाँ पर ही मेरे पोर ओपन है
वहीं पर ही मैं इसे अप्लाई करूंगी ताकि हमारी स्किन एकदम पोर फ्री लगे। सो यहीं पे ही मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ और इसे भी हम 30 सेकेंड के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि प्राइमर जो है वो अपना काम अच्छे से कर ले हमारी स्किन पे। सो यहाँ पे 30 सेकेंड्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं प्राइमर लगाने के बाद। सो उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ कंसीलर। सो यहाँ पे डार्क शेड का कंसीलर मैं ले रही हूँ और उसकी हेल्प से मेरे स्किन को मैं अच्छे से कंसील कर लूँगी। सो जहाँ पर भी डार्क एरियाज है और पिंपल के मार्क्स है वहाँ पे मैं इस कंसीलर को अच्छे से अप्लाई कर दूंगी। और ये फेबल का कंसीलर मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और ये अब ख़त्म होने को आया है। सो जल्दी से हमें नेक्स्ट बोतल परचेस करनी होगी इसकी। सो इसे हम हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड कर देंगे अच्छे से। सो ये हमारी स्किन को एक करेक्ट कर देगा, यानी कि जहाँ पर भी अनइवन स्किन है, अनइवन टेक्सचर है, उसे ये इवन कर देगा। पे स्किन मेरी अच्छे से कंसील हो चुकी है। उसके बाद बारी आती है फाउंडेशन की। सो यहाँ पे मैं मेरी स्किन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन ले रही हूँ, यानी कि यहाँ पे मेरे स्किन से एक टोन लाइटर मैंने फाउंडेशन का सेट लिया है और उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे अब एप्लीकेशन कर रही हूँ फाउंडेशन का। सो जल्दी से फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हैं और इसे थोड़ा थोड़ा करके ही हम ब्लेंड करेंगे, अदरवाइज पेचेस पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं कभी भी पूरे फेस पे फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद उसे ब्लेंड नहीं करती हूँ। इसे अच्छे से हम ब्लेंड आउट कर देंगे वेब ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से। सो चलिए फाउंडेशन के बाद यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर। सो यहाँ पे मैं लिक्विड हाइलाइटर लिक्विड कंसीलर ले रही हूँ और इसके हेल्प से हम हाइलाइटिंग करेंगे। सो यहाँ पे मैं थोड़ी सी अमाउंट में ही इस लिक्विड हाइलाइटर को अप्लाई करूंगी बिकॉज ये टू मच लाइट है मेरी स्किन टोन से, इसलिए। यहाँ पे मेरी हाइलाइटिंग होती है डन। अब इसे अब आगे बढ़ते हैं हम। सो अब हाइलाइटिंग के बाद बारी आती है हमारी लिक्विड ब्लश की। सो यहाँ पे मैंने लिया है ब्लू हेवन का पॉप एंड ग्लो चीक एंड आई जेल ब्लूम। सो ये मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रही हूँ, तो चलिए देखते हैं कि कैसा रिजल्ट देता है ये हमें। सो सबसे पहले तो इसकी इस तरह से पैकेजिंग है कुछ इस तरह से, और इसे खोलने के बाद चलिए देखते हैं, और कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आता है ये। सो चलिए पहले हम इसे अपने
बेक ऑफ द हैंड पे निकाल लेते हैं कि किस तरह से। सो यहाँ पे हमने थोड़ा सा ही हाइलाइटर, सॉरी थोड़ा सा ही क्रीम ब्लश लिया है। सो इसका टेक्सचर देखते हैं, इसका टेक्सचर क्रीमी है थोड़ा सा और अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। सो चलिए इसे अप्लाई करते हैं अपने फेस पे। तो पहले हम इसे फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करेंगे। एंड इट्स सुपर पिगमेंटेड, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है ये। और विंटर मेकअप में लिक्विड ब्लश अच्छे से हम लगा सकते हैं, क्योंकि एक तो हमारी स्किन ऑलरेडी ड्राई होती है और ड्राई स्किन के ऊपर हमें हमेशा क्रीम प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने होते हैं। तो ये वाला प्रोडक्ट तो आप गर्मियों के बदले सर्दियों में अप्लाई कर सकते हैं अच्छे से। सो आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और देख सकते हो मेरे फेस पे कितना ही अच्छा, कितने अच्छे से इसने ब्लेंड किया है। और इसे मैं थोड़ा सा नोज पे भी अप्लाई करूंगी ताकि पूरा विंटर वाला लुक लगे। ओ माय गॉड, इट्स वेरी पिगमेंटेड। सब थोड़ी थोड़ी अमाउंट में ही इसे लेकर ब्लेंड करिएगा। वाह सी, सो यहाँ पर भी हम इसे अच्छे से अप्लाई कर देंगे। तो पहले तो मैं इसे फिंगर के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। देन उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम इसे ब्लेंड कर देंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे बारी आती है हमारे बेस को सेट करने की। सो विंटर में आप कभी भी लूज पाउडर की हेल्प से अपने बेस को सेट मत करिएगा। आप बेस को सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर सकते हैं, बिकॉज विंटर में स्किन ऑलमोस्ट ड्राई होती है और पाउडर प्रोडक्ट की हेल्प से ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है। सो इसीलिए आप विंटर में हमेशा कॉम्पैक्ट का ही यूज करेगा। सो यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट की हेल्प से अपने बेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। फर्स्ट जहाँ पर हमने कंसीलर एंड फाउंडेशन अप्लाई किया है वहाँ पे हम इसे अच्छे से सेट कर देंगे। और ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा अमाउंट में कॉम्पैक्ट भी यूज़ नहीं करना है, वरना जो हमारा बेस है वो की नजर आएगा। सो चलिए नेक्स्ट बार आती है यहाँ पे ब्रॉन्जिंग की। सो यहाँ पे मैं हल्की हल्की ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा विंटर में हम पाउडर प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे। सो थोड़ी अमाउंट में ही मैं इसे अप्लाई करूँगी। थोड़ी सी नोज कॉन्ट्रोलिंग, सो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर। सो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर। सो स्किन को ग्लोसी दिखाने के लिए ये स्टेप मस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर दूंगी।
और थोड़ा सा ब्राउ बोन के पास, सो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप की ओर। सो जहाँ पर हमने क्रीम ब्लश अप्लाई किया था उसे भी हम पाउडर ब्लश की हेल्प से अच्छे से सेट कर देंगे। सो चलिए जल्दी से इसे सेट कर देते हैं। हमारा क्रीम ब्लश इतना पिगमेंटेड है कि हमें ज़्यादा पाउडर ब्रश अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सेट करने के लिए ही हम इसे यूज़ करेंगे। सो चलिए अब जल्दी से हमारे आई शेडो की ओर आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ आई शेडो में करने नहीं वाली हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पे विंटर का बेस दिखाना था। सो मिनिमल सा हम आई शेडो यहाँ पे करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं क्रीज लाइन पे ब्राउन शेड अप्लाई कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने लाइट ब्राउन शेड लिया है और उसे मैं जस्ट क्रीज लाइन पे अप्लाई कर दूंगी। पहले सिर्फ हम इसे अप्लाई करेंगे। अब उसके बाद लेंगे एक फ्लफी ब्रश और उसके हेल्प से हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। सो ये ब्लेंड हो चुका है। उसके बाद क्या करेंगे हम, जो हमारी यहाँ पे जो आई लीड बच चुकी है वहाँ पे हम एक गोल्डन शेड लेंगे और फिंगर की हेल्प से ही हम जस्ट इसे अच्छे से प्लेस कर देंगे लाइक दिस, इस तरह से दोनों आई लीड पे हम इसे अच्छे से प्लेस कर देंगे। सो हमारा आई शेडो रेडी है। सो अब बारी आती है हमारी लोअर आई लीड की। सो जो हमने ऊपर क्रीज लाइन में ब्राउन शेड लिया है उससे हम लोअर लैश के नीचे अप्लाई कर देंगे ताकि आईज को एक डेप्थ मिल सके। तो यहाँ पर मैं कोई भी काजल अप्लाई नहीं कर रही हूँ। सो नेक्स्ट बारी आती है हमारे आईब्रोज की। सो यहाँ पे मैं आईब्रोज को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। फिर जहाँ पर भी गैप है उस पर मैं ब्राउन शेड अप्लाई कर दूँगी। तो पीछे से आईब्रोज को हम फील करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिपस्टिक बाकी है सो उसे भी हम जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिप पेंसिल ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की। सो यहाँ पे सिर्फ मैंने आउटलाइन ही करी है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे मैं ग्लोस अप्लाई करूँगी क्योंकि पहले हमने जो बेबी लिप्स अप्लाई की थी उसका टिंट अभी भी हमारे लिप्स पे है। सो डायरेक्टली मैं यहाँ पे ग्लोस अप्लाई कर रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे हमारा मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। सो
सो हियर इज फाइनल लुक गाइज, आई होप आपको ये वाला लुक बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से आप भी विंटर में स्किन केयर के साथ मेकअप कर सकते हैं। सो इस मेकअप को आप कहीं भी इवेंट्स में और पार्टी में भी इसे आप ज़रूर से कर सकते हैं। सो चलिए मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए से कंटेंट के साथ और एक नए से वीडियो के साथ। सो कमेंट में मुझे ज़रूर से बताइएगा कि मैं नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आऊँ। सो चलिए मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।